नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस आईक्यू लेवल यूट्यूब चैनल पे, और आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोर देन 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने में आप लोगों का सहयोग करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं फिर से आप सभी को बोलूंगा कि अगर कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट जाननी है या कोई सी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन या कोई सी भी कोर्सेज के बारे में अगर जाननी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे और बोल सकते हैं कि सर आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए या भाई साहब आप इसके ऊपर एक कोई वीडियो बनाइए, क्योंकि हमें कोर्स के बारे में सही से नॉलेज नहीं हो पाती है और काफ़ी सारी वीडियोज करके हम भ्रमित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यार ये कोर्स हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा, ये चीज हमारे लिए सही होगी या नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली चीज दिशा, किसी भी चीज के लिए दिशा जानना जरूरी है कि हमें किस दिशा में जाना है और वो दिशा सही दिशा है या गलत दिशा है। तो इसी के लिए मैं अपने इस YouTube चैनल पे ऐसी ऐसी वीडियोस हमेशा लाता रहूंगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ DELED मतलब DLED के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। काफी तर ऐसे ही होती है कि लोगों को पता नहीं होता कोर्स के बारे में और लोग सोचने लग जाते हैं कि यार ये कोर्स है क्या, तो हम आज DELED के बारे में बात करने वाला हूँ। साथ ही मैं बताने वाला हूँ कि बिहार से जो भी लोग होंगे उनके लिए अभी DELED का फॉर्म भरने का अपडेट आ चुका है। फिलहाल जो मेरे व्यूअर्स ज्यादातर बिहार से है तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपने 10+2 कर रखा है तो अगर आपका टीचर बनने का सपना है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि डीलेट का फॉर्म भर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के बाद क्या क्या प्रोसीड्योर होगा मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप सभी के लिए, आप सभी व्यूअर्स के लिए, आप सभी दोस्तों के लिए जो कि 10+2 कर चुके हैं उन सभी के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना और काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं DELED कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप सभी चाहते हैं ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री स्कूल के कोर्सेज को करना तो आप सबसे पहली चीज इलिजिबल होने चाहिए इसके लिए, यानी कि आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। अब आप सोच रहे यार ग्रेजुएशन के बाद करेंगे, नहीं, आप ग्रेजुएशन के साथ साथ इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे होंगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में किसी में भी होंगे आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए और आप फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए। तो जब आप फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरने का कुछ प्रोसीड्योर इस प्रकार रहेगा कि फिलहाल मैं बता दूं कि जो भी बिहार के लोग हैं वो भर सकते हैं फॉर्म। तो इनके लिए डेट जो निकाला गया था 5 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक 2019 के चल रहा है। तो ये 2019 की वीडियो अगर आप इसके बाद देख रहे होंगे तो शायद तब तक अलग अलग डेट्स आ चुकी होंगी, क्योंकि ये आप आगे भी वीडियोस देखोगे हमें पता है। तो फिलहाल मैं बता दूं कि 5 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर 2019 तक जो फॉर्म भरा जाना है, फिलहाल अभी भी डेट्स बाकी है, अगर आप चाहते हो तो फॉर्म जाकर के भर सकते हो। तो उसमें आपको क्या करना होगा कि आपको जाना है, सबसे पहले एक रजिस्टर्ड आईडी क्रिएट करनी होगी अपनी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद। अब आप जब इन्फॉर्मेशन भर लोगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन एक आईडी बन जाएगी और आपके नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा, मेल पर आपके मैसेज आ जाएगा, और उसके बाद आप लॉग इन करके अपना फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप कर सकते हो और आपने जो भी डिटेल्स भरा है उसको चेकआउट कर लेना। उसके बाद आपको जो फी पेमेंट का स्ट्रक्चर रहेगा, फिलहाल बिहार के लिए मैं बता रहा हूं, फी पेमेंट का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ₹960 आपको देने पड़ेंगे। इस बार जो है फीस बढ़ गए हैं, पिछली बार फीस कुछ कम थे, ₹100-150 करके लिया जा रहा था आप सभी से, लेकिन इस साल बढ़ा दिया गया फीस। क्यों बढ़ा दिया गया फी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि प्राइवेट जो भी आपको जो ओपन से करवाते थे डीलेट उनका जो है मान्यता इस बार रोक दिया गया है, क्योंकि इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। ओपन से जो कराते थे डीलेट उनके ऊपर केस चल रहे हैं और इनकी अभी फिलहाल मान्यता नहीं, क्योंकि आपको इसके लिए फॉर्म नहीं भरना चाहिए। अगर आप भरना चाहते हो तो आप यहाँ के एलिमेंट्री स्कूल के एक वेबसाइट है, जो बिहार के एलिमेंट्री स्कूल की वेबसाइट है, प्राइमरी स्कूल के लिए जो बनाया गया वेबसाइट, उस पे आप जाओ अपनी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और अगर आप 10+2 पास कर चुके हो या ग्रेजुएशन के किसी भी पार्ट में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ दो डिग्री वाले बच्चे सोचते हैं कि यार एक साथ दो डिग्री कैसे ले, लेकिन आप इसके लिए ले सकते हो, डीलेड में अलाउडेड है, इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। तो आप जाओ सबसे पहले गूगल क्रोम पे और गूगल क्रोम पे जाकर के डीलेड बिहार एग्जामिनेशन या डीलेड बिहार एडमिशन का आप जैसे ही सर्च करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो है काफी सारे सर्च इंजन पे आपको दिखाई देंगे, काफी सारे वेबसाइट्स, उस पर आप क्लिक करना। तो मैं एक वेबसाइट का ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जिससे सही सही में आप भर सकते हो जाकर के। तो वहां पे आप जाना, उसके बाद अपना फॉर्म जो है फिलअप कर देना, एक रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट होगी, उसको आईडी को लॉग इन करना। लॉग इन करने के बाद क्या होगा कि आपका जो भी है फोटो सिग्नेचर वगैरह जो है मांगा जाएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जरूरी होती है। तो आप अपने फोन से भी इस फॉर्म को भर सकते हो, अगर दिक्कतें हो तो आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, तो आप फोन से भी भर सकते हो इस फॉर्म को। उसके बाद भरने के बाद आपको क्या करना होगा, ₹960 का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपको फीस स्ट्रक्चर्स भी जानने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो आप जब ये पैसे वगैरह जो है भर दोगे उसके बाद क्या होगा कि आपका एडमिट कार्ड बन करके आएगा और आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले कभी कभी एंट्रेंस लिया जाता था, कभी नहीं लिया जाता था। पिछली बार की जो हम बिहार के देख रहे हैं उसमें एंट्रेंस नहीं लिया गया है और
इसके कारण जो था काफी बच्चे मतलब बाजी मार चुके थे, लेकिन इस बार फिर से आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा और फीस स्ट्रक्चर भी हाई हो गई, फी भी बढ़ चुका है। फी क्यों बढ़ा है? क्योंकि यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटीज जो भी करा रही थी, ओपन स्कूल जो करा रही थी डीलेट की, उन सभी का मान्यता जो है वो रद्द कर दिया गया, इसके लिए यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बढ़ाया गया और ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है डीलेट में, इसके कारण भी ये फीस स्ट्रक्चर बढ़ाया गया और आपका मेरिट लिस्ट सेलेक्शन होगा। मतलब कि आप पहले एग्जामिनेशन पास करोगे, जो प्री टेस्ट होता है, पहले जो एग्जामिनेशन होता है वो आपको क्वालिफाइड करने के लिए आपको एग्जामिनेशन पास करना होगा, एंट्रेंस देना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी जो है मार्क्सेस आएंगी। उसकी भी कुछ क्राइटेरियाज है, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब जाकर के आप जो होगे इलिजिबल होगे किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वो कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा, उस कॉलेज में जाकर के आप अपना फॉर्म भरना और एडमिशन लेना। तो ये फिलहाल बिहार के लिए न्यूज है, अगर बाद बाकी चीज़ों के लिए भी आती है, बाद बाकी स्टेट्स के लिए भी आती है तो मैं आपको बताऊंगा, और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो हालांकि बस यही कोर्स की जो थी जानकारी देना चाह रहा था मैं, अगर कोई भी अदर जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक मैं चलता हूँ, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।